Once a day, today is Monday. Once a day, Monday. और डेट क्या है? 24 अगस्त. ओके? चलिए स्टार्ट करते हैं. देखिए आपके पास एक बुक है, एक्टिविटी बुक. ये बुक है एक्टिविटी बुक. इसको आप ओपन कीजिए और पेज नंबर 6. पेज नंबर 6. देखिए पेज नंबर 6 में क्या है? नेम द शेप, टियर एंड पेज द पीसेस ऑफ पेपर ऑन द स्क्वायर. ये कौन सा पिक्चर बना हुआ है? स्क्वायर. कौन सा पिक्चर है? स्क्वायर. इसका पिक्चर बना हुआ है स्क्वायर का. और आपको क्या करना है? एक पेपर लेना है, उसके आपको टुकड़े करने हैं और उस टुकड़े को फेविकोल लगाकर इस स्क्वायर में आपको पेस्ट करना है. देखिए आपकी बुक में बने हुए हैं ना बेटा. देखिए स्टूडेंट्स, स्क्वायर बने हुए हैं. आप पेपर ले लीजिएगा, उसके टुकड़े कर लीजिएगा और फेविकोल लगा के इसमें आप उन सारे टुकड़ों को पेस्ट कर लीजिएगा. तो ये क्या आपका तैयार हो जाएगा? स्क्वायर. क्या है आपका? स्क्वायर. अब ये बुक ओपन कीजिए, नव अंकुर भाषा ज्ञान. कौन सी बुक है? नव अंकुर भाषा ज्ञान. इसमें देखिए पोयम, एक ही छोटी सी पोयम है, चंदा मामा. पोयम है ना चंदा मामा. आप अच्छी बात बताइए, पोयम स्टार्ट करने से, कविता स्टार्ट करने से पहले हम कुछ पूछना चाहते हैं आपसे. चंदा मामा यानी इंग्लिश में चंदा को क्या कहते हैं? मून कहते हैं ना. तो पहले बताइए आप लोग चंदा को कहाँ पे देखते हैं? चंदा मामा को कहाँ पे देखते हैं आप लोग? आसमान में देखते हैं ना. कहाँ पे देखते हैं हम चंदा मामा को? आसमान में देखते हैं. और कब देखते हैं? दिन में देखते हैं चंदा मामा को? नहीं, चंदा मामा हम लोग कब दिखते हैं? रात में दिखते हैं. कब दिखते हैं चंदा मामा हम लोग को? रात में दिखते हैं, जब सूरज ढल जाता है, अंधकार हो जाती है, तब कौन निकलता है आसमान में? चंदा मामा. कौन निकलता है? चंदा मामा. चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है. हुआ अंधेरा जागा चंदा, तारों की चादर फैलाई, टिम-टिम करके तारे बोले कितना प्यारा चंदा भाई. है ना, क्या बोल रही है? हुआ अंधेरा जागा चंदा, तारों की चादर फैलाई, टिम-टिम करके तारे बोले कितना प्यारा चंदा भाई. चंदा भाई से क्या लग रहा है? प्यारा लग रहा है ना. तो ये आपकी छोटी सी कविता है, इसको आप याद कर लीजिएगा और एक ऑडियो बना के हमें जरूर सेंड कीजिएगा. ये आपकी थी हिंदी की. अब आपको इंग्लिश में, अब ये बुक ओपन कीजिए तो बुक ऑफ सॉन्ग्स राइम्स एंड स्टोरीज. कौन सी बुक है? सॉन्ग्स राइम्स एंड स्टोरी. और कौन पेज नंबर क्या है? पेज नंबर 12. कौन सा पेज नंबर है? पेज नंबर 12. पोएम क्या है? फ्रूट फ्रूट फ्रूट. ये हम आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं, चलिए फिर से याद करते हैं. फ्रूट फ्रूट फ्रूट. फ्रूट मीन्स क्या होता है? फल. फ्रूट मीन्स क्या होता है? फल. कौन कौन से फ्रूट होते हैं? एप्पल होते हैं, मैंगो, बनाना, ग्रेप्स, ऑरेंज, वाटरमेलन, मस्कमेलन, ये सब क्या है आपके? फ्रूट्स नेम है. स्टार्ट. फ्रूट 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 फॉर मी एंड यू. मतलब फ्रूट 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 फॉर मी एंड यू. राउंड फ्रूट लॉन्ग फ्रूट सिक्स मेनी और फ्यू. हार्ड फ्रूट सॉफ्ट फ्रूट जूसी फ्रूट टू. आई लव फ्रूट आई रियली डू. देखिए क्या बोलता है फल के बारे में? क्या बोलता है? कि फल मुझे भी चाहिए, आपको भी चाहिए. और फल कितने आकार के होते हैं? कुछ फल गोल होते हैं, कुछ लंबे होते हैं और कुछ फल में थोड़े से छोटे मतलब बहुत ही कम बीज होते हैं और कुछ फल में बहुत सारा बीज होते हैं. कुछ फ्रूट जो फल होते हैं वो बहुत हार्ड होते हैं, कुछ बहुत सॉफ्ट होते हैं और कुछ बहुत जूसी होते हैं. और फल क्या है? वह मुझे बहुत पसंद है. फल आपको अच्छे लगते हैं ना? सबको फल अच्छे लगते हैं और फल ज़रूर खाना चाहिए. और एप्पल तो बहुत ख़ास तौर पे खाना चाहिए. ये एप्पल क्या होता है? बहुत फ़ायदेमंद होता है, होता है ना. तो बच्चों अगर आप लोग फ्रूट्स नहीं खाते हैं तो खाना शुरू कर दीजिए. ओके.